हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। तो भाई आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ बहुत ही धार्मिक प्लेस पे जिसका नाम है खाटू श्याम मंदिर। आप सभी ने उसका नाम सुना ही होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है और मेरा बहुत टाइम से खाटू श्याम मंदिर जाने का प्लान था बट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। बट फाइनली बाबा जी का बुलावा आ गया है और हम लोग जा रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है और मैं आप लोगों को भी साथ भी डिटेल शेयर करती रहूँगी कि कैसे कैसे हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में कितने टोल पड़ेंगे क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी से। तो चलो चलते हैं और पूरा रास्ते का ब्लॉग देखना है तो पूरा बना रहना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं और मिलकर सीधा रास्ते में, तब तक बने रहिए, बाय बाय। तो भाई सबसे पहले हम लोगों ने करवाई अपनी गाड़ी की टंकी फुल क्योंकि इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा पेट्रोल था तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। सो दिल्ली से खाटू श्याम बाय रोड जाने के लिए तीन रास्ते हैं, एक जो नीमराना फोर्ट से जाता है, दूसरा फिरोजपुर से और तीसरा दिल्ली मुंबई हाईवे रोड। सो सबसे पहले हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे नीमराना फोर्ट वाले रास्ते से क्योंकि वहां से हमें सबसे पड़ेगा पास, बिकॉज मुंबई हाईवे रोड से हमें पड़ेगा 274 किलोमीटर्स एंड फिरोजपुर से 357 किलोमीटर्स एंड नीमराना फोर्ट वाले रास्ते से 264 किलोमीटर्स। तो सबसे पहले हम फरीदाबाद से निकलते ही हमने पहला टोल दिया गुड़गांव वाला विच कॉस्ट अस 30 रुपीज़ और उसके बाद हमें नेक्स्ट टोल पड़ा शाहजहाँपुर का जिसका चार्जेस है 155 रुपीज़। और इसमें हम लोग एंटर कर चुके हैं नीमराना फोर्ट की तरफ और जो नीमराना फोर्ट है वो यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। चलते हैं। जयपुर बचा है हमारा 137 किलोमीटर्स और हम लोग काफ़ी किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं। तो हमने सोनीपत में पराठे नहीं खाए। अच्छा, हमने जाके खा लिए पानीपत में पराठे। हाँ। तो ये बात ना सोनीपत वालों को पता चल गई तो इसलिए पानीपत और सोनीपत वालों के बीच में भी लड़ाई। ये तेरे स्कूल की पढ़ाई है। देख पैर कैसे रख रखे हैं। हम जाम में फंस चुके हैं बहुत बुरे। अच्छा। और यहाँ पे अभी भी 11 से 15 मिनट का जाम दिखा रहा है और ट्रकों के बीच में फंसे हुए हैं हम लोग। ठीक है, बताओ अभी। ठीक है, दिख रहा देखिए, दिख रहा पैर दिख रहा, वही बहुत है यार। सच्ची बहुत ज्यादा जाम हो रहा है रास्ते। हाँ ठीक है, नीचे नीचे कर इसे, इधर बैठ के बात की। और यहाँ पे मैं ट्रैफिक ओपन होने का वेट कर रही थी जो कि आधे घंटे से लगा हुआ था। ओ भाई साहब, जाम आधा घंटा हो गया मैं इधर। पौना घंटा ही सही। हाँ 45 मिनट्स हो गए और अभी तक ये जाम खुलने का नाम नहीं ले रहा, अभी भी रेड लाइन दिखा रहा है हम लोग को बहुत ज़्यादा। गए हमें हो गए 4 घंटे घर से निकले हुए, ट्रैफिक की वजह से हमें लगे बहुत ज़्यादा टाइम। और हमारे साथ ये भी आया है महाराज, अब इसका वेलकम करा रहे हैं। ये दो गाड़ी नहीं है। हाँ। और अब हम रुके हैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट भी किया, स्नैक्स वगैरह करने के लिए अभी हम यहाँ पे रुके हैं। चाय वाय चाय करवा ले, कॉफी ले ले, कुछ भी ले ले, देखते हैं। तो भाई हम लोगों ने कराई है अभी चाय, चाय के साथ देख रहे हैं कुछ नमकीन वगैरह। नहीं चाय के साथ देख लो, वो कह रहा कुछ और कुछ नहीं है, नमकीन वगैरह ही मिलेगी। और यहाँ पे हमें मिली थी कुल्हड़ वाली चाय और हाईवे के साथ में कुल्हड़ वाली चाय, बहुत अलग ही मज़ा था सच्ची। और इस तरीके के इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ हमें रास्ते में देखने को मिल रहे थे और रास्ते में इस तरीके के व्यू मिल जाए और रास्ता खाली मिल जाए तो अलग ही मज़ा है। तो हम लोग जल्दी जल्दी अब कोशिश कर रहे थे कि हम जल्दी पहुँच जाए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके थे। क्या जाम और हम आ गए रॉन्ग साइड, चलान कट जाओ, साइड में इतना लंबा जाम लगा पड़ा है। ये सर्विस रोड है, हम तो ठीक है, वो आ रहे हैं रॉन्ग साइड, हम तो ठीक ही जा रहे हैं, हम तो ठीक आ रही है, आ रहे हैं रॉन्ग साइड, हम तो सर्विस रोड पे जा रहे हैं, हम सर्विस रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, नहीं जा रहे रॉन्ग, बट फिर भी बहुत गंदा जाम लगा पड़ा है।
और इतनी दूर चलते ही जैसे हमने बोर्ड दिखा खाटू श्याम जी का, जो बता रहा था कि हमें खाटू श्याम जी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, और मन को इतना ज़्यादा सुकून मिला। और इस तरीके से यहाँ का रास्ता था जो बीच गांव से होके गुजरता है खाटू श्याम जी, और इस तरीके का कोई फोर्ट हमें रास्ते में देखने को मिला जिसका नाम मुझे नहीं पता था। तो अगर आप लोग भी फरीदाबाद से खाटू श्याम जाने का प्लान कर रहे हैं तो सिंगल साइड आपको अराउंड 2000 to 2500 तक का पेट्रोल लग जाएगा। और लुक एट दिस व्यूज जो आपको सिर्फ बाय रोड वाले ट्रिप पे मिलेगा, ट्रेन में नहीं देखने को मिलता है इतना प्यारा व्यू। वही आखिरी टोल हमारा आने वाला है 500 मीटर दूर पे। तो भाई लास्ट टोल हमारा आ गया है, अब यहाँ से निकलेंगे। वो टोल ही नहीं है क्या यहाँ? कैश है, कैश। और यहाँ से रिंगस की दूरी कुछ 36 किलोमीटर की बच गई थी, और जैसे ही हम लोगों ने एंट्री करी तो इस तरीके से बोर्ड हमें रिंगस का देखने को मिल गया। और इस तरीके से एंट्री कुछ यहाँ पे देखने को मिल रही थी हमें वाइट कलर का बोर्ड। वही जो लोग निशान लेके जाते हैं वो यहाँ से रिंगस से स्टार्ट हो जाता है, निशान मंदिर है। और पीछे ही श्री श्याम निशान मंदिर है, यहाँ से सब लोग दुकान से चिल ले सकते हैं और यहाँ से फिर वो लोग पैदल की यात्रा करते हैं। और क्या, वहीं खड़ी कर देंगे, पार्किंग होती है। भाई पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, यहाँ पे पार्किंग है। और फाइनली खाटू श्याम मंदिर पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं ऑटो रिक्शा जो ले रहे हैं 20 रुपीज पर पर्सन। और मेरी तरफ से एक टिप, कभी भी ऑटो मत लेना क्योंकि वर्थ इट नहीं है। यहाँ से बहुत पैदल का रास्ता था और ये पागल बना के चला गया हमारा ऑटो वाला। तो इस तरीके की काफ़ी सारी शॉप्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली, जहाँ से हम लोगों ने इत्र की बॉटल्स ली विच कॉस्ट अस 50 रुपीज़ की 3। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं श्याम जी के दरबार पे, और अभी हम लोगों ने लिया यहाँ से इत्र और चलते हैं। तो लगभग इस तरीके की कुछ भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी करंटली खाटू श्याम जी के मंदिर में। और ऐसा किसी ने मुझे बताया था कि जैसे ही आप एंट्री करते हो तो सबसे लेफ्ट वाली साइड की लाइन में लगना, क्योंकि सबसे लेफ्ट वाली साइड पे अगर आप लाइन में लगते हैं तो बाबा जी के साक्षात दर्शन आपको बिल्कुल सामने से होंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग गुलाब का फूल अंदर लेके जा रहे थे, बट आई विल सजेस्ट कि गुलाब का फूल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गुलाब का फूल चढ़ाया नहीं जाता क्योंकि इसके अंदर कांटे होते हैं, और अगर ये पैरों में लग गए किसी के तो वो किसी को पीड़ा दे सकते हैं। तो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि ना लें, बट इफ़ यू वांट तो दिस विल कॉस्ट यू 20 रुपीज़ का सिंगल रोज़। और देखते ही देखते भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी बाबा जी के दरबार में। मुझे लगा था भीड़ नहीं है, बट विद इन सेकेंड्स विद इन मिनट्स इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी आगे जाके। और इस तरीके से आपको लाइन में लगना पड़ेगा और स्क्रीन पर आपको खाटू श्याम जी के दर्शन हो जाएंगे। और इस तरीके से डिफरेंट लाइंस बनाई जाती हैं जिसमें ताकि जो श्रद्धालु हैं वो लाइन से अंदर जाएं और बहुत प्यार से दर्शन कर सकें, भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की ना हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इस तरीके से लाइन में सारे लोग। एंड लुक एट द क्राउड एंड डेकोरेशन। स्टार्टिंग में मेरे को इतनी भीड़ नहीं दिखी थी, और देखते ही देखते इतनी ज़्यादा भीड़ मिल रही है, ऐसा लग रहा है कहाँ से आ गए थे सारे लोग। और सामने लेफ्ट साइड में श्याम बाबा जी की मूर्ति रखी थी और दर्शन हुए विद इन सेकेंड्स। और ये परमानेंटली बंद कर दिया।
भाई बाहर हम लोग आ चुके हैं, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हमारे श्री श्याम जी के, और अभी हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग, थोड़ा सा यहाँ से सामान लेना है, प्रसाद वगैरह लेना, और उसके बाद में जाएंगे हम लोग कहीं और, तो चलो चलते हैं। वही यहाँ से ले रहे हैं हम लोग प्रसाद। अभी आए हम लोग कुछ खाने के लिए, दर्शन तो हो गए हमारे। हाँ तो कोई नहीं, आवाज आ रही है, अब कुछ देखते हैं, कुछ ऑर्डर करेंगे। अभी आए हम लोग क्या पहुँचाने। और अगर आप लोग पैदल आते हो तो यहाँ से आपकी एंट्रेंस होगी, इस तरीके का द्वार आपको देखने को मिलेगा। अब हम जा रहे हैं, पैर दर्द हो रहा है मेरे, तो नहीं हो रहे, पार्किंग तक, और बहुत ज्यादा धूप हो रही है, पैर जल रहे हैं लिटरली। नहीं मेरे बहुत ज्यादा डर नहीं चल रहे नहीं। अरे चल सकल दिखा मैंने। और वापसी में रास्ते में हम लोग को इतने बड़े बड़े ऊँट देखने को मिले, लाइफ में मैंने पहली बार ऊँट देखे थे। रास्ते में चलो राजस्थान आए और ऊँट देखने को ही मिल गए हमें। और अगर आपको चिन्ह लेना है तो आप इस भवन से ले सकते हैं, ये है श्री श्याम निशान भवन। उसे तो का फायदा इसमें क्या है, इसमें मैं बताता हूँ पानी कम यूज होता है, और क्या बोलते हैं वो मट्टी को अच्छे से दूर दूर तक पानी भी जाता है, पास में भी आता है, और क्या बोलते हैं अच्छे से हर जगह वो बीज को पानी मिल सकता है। Hence proof, therefore left hand side is equal to right hand side. ये शाम बाबा ने बुद्धि दी है मुझे। This is called water sprinkler. अगली बार आऊंगा तो मां। तो हम खाटू श्याम से निकल चुके हैं और अभी हम लोगों का कहीं जाने का प्लान हो रहा है, शॉपिंग करने भी जा सकते हैं, घर भी जा सकते हैं, और कहीं और भी जा सकते हैं, अभी कुछ प्लान नहीं है। लेट्स सी कि हम लोग कहाँ जाते हैं। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि सालासर बालाजी जाएं या फिर जयपुर जाएं शॉपिंग करने के लिए, और सालासर बालाजी जाने की बिल्कुल भी हम लोग की हिम्मत नहीं थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। सो वी डिसाइडेड टू गो टू जयपुर एंड टू शॉप समथिंग। और रास्ते में जाते ही हम लोग को पता चला कि काफ़ी सारे जो किले हैं, फोर्ट्स जो हैं, वो आज बंद है क्योंकि आज कोई फेस्टिवल है, और फेस्टिवल पे यूजुअली यहाँ पे मेला लगाया जाता है, इस वजह से सारे फोर्ट्स बंद हैं। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये सुन के, बट फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं जाएंगे तो अब जयपुर ही। और रास्ते में इतने प्यारे प्यारे व्यू हम लोग को देखने को मिल रहे थे जो कि हमारे फरीदाबाद में तो शायद ही कहीं देखने को मिलेंगे। और लुक एट द स्काई, बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू लग रहा था यहाँ से। और रास्ते में जाते हुए हमें दिखा ये विजयन पैलेस जो कि एक 4-स्टार रिजॉर्ट है, विच इज़ लोकेटेड इन द कोकस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर, और ये नेशनल हाईवे 48 से 10 मिनट्स की दूरी पर है। और इस रिज़ॉर्ट का एक रूम करीब करीब 10,000 से 15,000 पर नाइट के हिसाब से मिलता है। तो भाई अब रुके हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए, डिनर करके फिर निकलेंगे घर की तरफ। अरे बेटा शैतान, अब घर जाना है बस। स्नैगी टाइम, हाईवे के किनारे हम लोग को चल रहे कोक और मैगी, और ये हाईवे, और यहाँ है ये छोटा सा ढाबा। और रिटर्न जर्नी हम लोगों ने कवर की थी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से, और यहाँ जो हमारा टोल पड़ा था वो हमें पड़ा था 495 रुपीज़। और इस व्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। तब तक बने रहें, बाय बाय।